Welcome the students, dear students. Today is our topic which I am going to deliver in front of you is arithmetic mean through continuous series. There are three methods of continuous series. Number one, direct method. Number two, shortcut method. And number three, step deviation method. Step deviation method. For example, the question here is marks in English secured by students of class 10th. Marks in English secured by students of class 10th. देखिए हम यहां पर marks, number of students, दूसरा number of students. Marks 0 to 10, ten to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Number of students 0 to 10, 20, 24, 10 to 20, 24 students, and 20 to 30, 40 students, and 30 to 40, 36, and 40 to 50, there are 20 students. अब इसको हम तीन मेथड से, इन डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के जरिए कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम यहां पर एक साइड में हम इसकी फार्मूला जो है लिख कर रखते हैं. फार्मूलाज डायरेक्ट मेथड के लिए पहली फार्मूला जो है वह है एक्स पावर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. और नंबर सेकंड जो शॉर्टकट मेथड है इसके लिए क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समेशन ऑफ सिग्मा एन एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. एंड नंबर थर्ड फॉर स्टेप डिविएशन मेथड एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समेशन ऑफ सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा F into C. C is common factor. D is deviation. M is here mid value. Now, अब हम इसकी जो है calculation करते हैं direct method के जरिए. तो पहले सबसे पहले हम ये जो है यहां पर हम हमारा question जो है ये horizontally shape में यहां पर दिया गया है और इसको हम vertically की shape में यहां से लिख सकते हैं. तो पहले हम column में marks लिखेंगे और दूसरे में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और इसको जो है मार्क्स जो है इसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हम एफ यानी फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट करते हैं. तो मार्क्स जो है हम यहां पर लिखेंगे 0 टू 10 20 स्टूडेंट्स, 10 टू 20, 24, इसी तरीके से 20 टू 30, 40 स्टूडेंट्स, 30 टू 40, 36 स्टूडेंट्स, 40 टू 50, 20 स्टूडेंट्स.
इसको मजीद आगे जो है, सबसे पहले जो ये जो मार्क्स जो हमें दिए गए हैं 0 to 10, इसका हम मिड वैल्यू निकालेंगे यहां पर। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू यानी इन शॉर्ट में हम इसकी जो सिंबल लिखते हैं एम, जो यहां पर हमें फॉर्मूला में भी जरूरत है। तो मिड वैल्यू जो है 0 to 10, तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है? मिड वैल्यू ऐसे निकलता है एम इज इक्वल एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई टू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, या लोअर लिमिट इज 0 प्लस अपर लिमिट इज 10 एंड डिवाइडेड बाई टू, 10 प्लस 2, 10 प्लस 0 इज 10 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 5। तो फर्स्ट पहले का जो है मिड वैल्यू है 5। तो इसी तरीके से बाकियों के भी निकालने हैं। अब हम ये लिखेंगे कि 0 और 10 के बीच में 5 आता है, और 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15 आता है। तो इसका मिड वैल्यू जो है 15, लेकिन इसकी फार्मूला जो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो इसके जरिए निकलता है। तो इसका जो है 20 टू 30 जो है, इसका 25 निकलेगा मिड वैल्यू, और 30 टू 40 जो है इसका 35, और 40 टू 50 जो है इसका 45 मिड वैल्यू है। यहां जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी जो है हम यहां पर इसका टोटल करके लिखते हैं। समेशन ऑफ एफ जो है, समेशन ऑफ एफ जो है 140 है, इसका जो टोटल है 140 फ्रीक्वेंसीज का। तो अब हम एक और यहां पर हमें है एफ एम, सिग्मा एफ एम, तो हम यहां पर क्या करेंगे? तो ये जो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन यानी एफ एम को हम मल्टीप्लाई, इन दोनों कॉलमों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 20 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 into 20, दैट इज 5 0, 5 2, दैट इज 10, इट इज 100, इट इज 100। इसी तरीके से 24 और 15 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ये 360 बनता है, 360 बनता है। और इस तरीके से 40 और 25 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 1000। और इसी तरीके से 36 इंटू 35 ये बनता है 1260। और इस तरीके से 45 और 20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है 900। तो अब इसका टोटल जो है करना है, टोटल इसका जो बनता है समेशन ऑफ सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ एम का जो टोटल है 3620। अब इसकी हमें जो है अर्थमेटिक मीन निकालनी है, टॉपिक जो है हमारा अर्थमेटिक मीन, जो मीन हम निकालेंगे। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन या एक्स बार इज इक्वल टू, इसका सिंबल है ये पहली फार्मूला डायरेक्ट मेथड की, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एम जो है वो 3620 डिवाइडेड बाय 140। तो इसे हमें डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3620 को, 620 को हम डिवाइड करते हैं 140 से, तो वहां जो है 2048 2002। तो इसी तरीके से ये आगे आता है, ये इसका डिवीजन जो है ये, इसको इस तरीके से भी हम करते हैं, और इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी निकालते हैं। तो जहां तक 3620 डिवाइडेड बाय 140 जो है, तो इसको 25.867 डैश निकलता है। लेकिन हम ये जो है, जो तीसरा डिजिट जो यहां पर है, अगर ये 5 के बराबर हो या 5 से अलावा हो, तो इसके बदले एक ऐड होता है सेकंड डिजिट को, सेकंड को। तो ये यहां पर असली 857 था, तो ये बनता है
25.86, ये तीसरा डिजिट जो है उसको हम उसके बदले हम एक ऐड करते हैं सेकंड डिजिट को, तो ये इसका जो मीन अर्थमेटिक मीन जो निकला इसका है, देयरफॉर अर्थमेटिक मीन या एएम जो है वो बराबर है 25.86 जो है मार्क्स के बराबर है, 25.86 मार्क्स के बराबर है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी करते हैं और इसको हम डिजिट की सूरत में भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब ये था पहला इसका मेथड जो था, डायरेक्ट मेथड था इसका। तो अब इसका हम दूसरा मेथड जो है शॉर्टकट मेथड के जरिए हम इसको निकालते हैं। तो ये जो हमारे तीन पहले कॉलम है, मार्कस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मिड वैल्यू जो है, ये हर एक में हमें इसकी जरूरत है, तो इसलिए इन तीन को ऐसे ही रखते हैं। और ये जो इसका फोर्थ कॉलम जो है इसको हम यहां पर रद्द करते हैं, और बाकी जो नीचे यहां फार्मूला दी गई इसको भी हम रब करते हैं। तो अब जो शॉर्टकट मेथड है हमें, तो इसमें हमें एक डी यहां पर, डी जो है ये डिवीशन है। डी क्या है? डिवीशन, डिवीशन का एक कॉलम हमें आता है डी, ये डिवीशन है। तो ये डी कैसे निकलता है? ये निकलता है यहां पर डी एम माइनस ए, वायर ए इज, वायर ए इज इक्वल टू ए माने एज्यूम्ड मीन, ए तो एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन कैसे हम निकालते हैं? तो ये जो हमने यहां पर मिड वैल्यू निकाला है, तो एज्यूम्ड मीन को हम चूज समवेयर इन द मिडल, चूज समवेयर इन द मिडल में हम इसको, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है, मिडल इसका 24 5 है, इसी को हम एज एज्यूम्ड मीन लेते हैं। यहां पर हम 15 को भी ले सकते हैं, वैसे भी वही निकलेगा, और 35 को अगर भी लेंगे उसी उससे भी यही कुछ हासिल होगा। तो अब हम 25 को यानी एम माइनस ए, एम का यहां पर जो है मिड वैल्यू जो है 5 माइनस ए हो गया 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 वो बनता है -20। तो इसी तरीके से 15 माइनस 25 वो बनता है -10, और 25 माइनस 25 वो बनता है 0, और 35 माइनस 25 बनता है +10, और 45 माइनस 25 बनता है +20, +20। तो अब हम यहां क्या करना है, फॉर्मूला में हमें एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी जो है, तो उसका मतलब हो गया कि हमें एक और कॉलम यहां पर लेना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन लेनी है, मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें क्या है लिखना है हमें एफ डी, एफ और डी यानी ये जो डी का कॉलम है और एफ का कॉलम जो है इसको हमें मल्टीप्लीकेशन करने हैं, तो वहां से जो है फिर ये कॉलम हमें हासिल हो जाएगा। तो इससे क्या है, 20 इंटू -20, 20 इंटू -20 जो है ये 400 के, -400 के बराबर बनता है, -400 यानी 20 इंटू -20 जो है -400 के बराबर बनता है। तो इसी तरीके से जो है 24 इंटू -10 जो है, 24 इंटू -10 तो ये बनता है -240 के बराबर, -240, -240। तो इसी तरीके से जो है 40 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 40 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद 36 इंटू 10, 36 इंटू +10 360 बनेगा। तो इसी तरीके से 20 इंटू 20 जो है वो बनता है +400, +400। अब इसका जो है हमें समेशन निकालना है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी जो है वो किसके बराबर है? अब इसका जो है
पॉजिटिव जो है इनका अलग करना है और निगेटिव जो है इनका अलग करना है। तो इसका जो बनता है टोटल 120, इसका टोटल पॉजिटिव वाले जो है उनका अलग करना है और निगेटिव वाले का अलग करना है, इसका 120 इसका ये टोटल बनता है 120 प्लस 120। अब यहां पर जो है इसका हमें क्या निकालना है, ये शॉर्टकट मेथड के जरिए हमें निकालना है, दूसरा मेथड जो है शॉर्टकट मेथड इसी के जरिए निकालना है। x पावर इज इक्वल टू a प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, वो किसके बराबर है एज्यूम्ड मीन, तो यहां पर जो है 25 जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया यहां पर प्लस समेशन ऑफ एफ डी एस वो 120 है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ 140, तो वो किसके बराबर है 25 ऐसे ही लिखेंगे, 120 को हम डिवाइड करते हैं 140 से विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और तो इसका जो है 0.86 निकलेगा, तो वो बनता है 25 जब हम उसको ऐड करते हैं 86 जो है, देयरफॉर एएम जो है या मीन जो है वो 25.86 मार्क्स इसका निकलता है। वही जवाब जो पहले मेथड के जरिए निकला तो वही जवाब इस मेथड के जरिए भी निकलता है। अब इसके यहां पर जो है तीसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, ये तीसरा मेथड जो है स्टेप डिविजन मेथड, तो जहां तक इन कॉलमों का ताल्लुक है मार्क्स ऐसे ही लिखने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से लिखना है, मिड वैल्यू भी इसी तरीके से लिखकर रखना है और डिविजन जो है वो भी इसी तरीके से लिखकर रखना है। तो अब एक और जो इसका दो कॉलम इसके और बढ़ जाएंगे तो वो क्या है, उस तरीके से स्टेप डिविजन की मेथड के जरिए भी इसका यही आंसर निकलेगा। यहां पर ये जो डी है इसका डी डैश बनाना है, डी डैश डी डैश, तो वो डी डैश कैसे निकलता है एम माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, सी इज ए कॉमन फैक्टर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 जो है इसका ये जो डिफरेंस है वो 10 के बराबर है, यहां पर जो है सी जो है 10 के बराबर है। तो एक और जो बाकी जो कॉलम इसका लिखना है वो हमें मल्टीप्लीकेशन में आना है लाना है, तो उसको हम एफ डी डैश लिखेंगे, जैसे ये एफ डी डैश वही कॉलम, तो डिविजन जो है वो एम माइनस सी, यहां पर 20 माइनस 20 निकला है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 10 से माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 तो वो माइनस 2 के बराबर निकलता है। इसी तरीके से ये जो माइनस 10 है इसका माइनस 1 के बराबर आएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 10 वो 0 के ही बराबर है, वो 0 के ही बराबर है, और ये जो 10 डिवाइडेड बाय 10 वो प्लस 1 के बराबर है, और 20 डिवाइडेड बाय 10 वो प्लस 2 के बराबर है। तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन करना है एफ डी डैश, तो जो एफ का कॉलम है 20 into minus 2 वो बनता है माइनस 40 के बराबर। इसी तरीके से 24 into minus 1 तो वो बनता है माइनस 24। अब ये जो है 40 into 0 जो है वो 0 के बराबर है, 36 प्लस 1 जो है वो प्लस 36 के बराबर है, और 20 प्लस 2 जो है वो प्लस 40 के बराबर है। तो इसका जो है हमें टोटल यहां पर निकालना है समेशन ऑफ एफ डी डैश, समेशन ऑफ एफ डी डैश इसका जो पॉजिटिव वाले जो है उनका अलग ऐड करना है और नेगेटिव वाले जो है उनका अलग यानी ऐड करना है, तो यहां से क्या हासिल होता है 12, इसका क्या हासिल होता है 12। अब हमें
ये जो x पावर इज इक्वल टू इसकी फार्मूला जो है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इन टू सी, वो एज्यूम्ड मीन 25 जो है पहले हमने लिया प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश 12 के बराबर, समेशन ऑफ एफ 140 के बराबर इन टू सी जो है वो 10 के बराबर है। तो ये ऐसे निकलता है 25 प्लस अभी जो है 12 डिवाइडेड बाय 14, ये जो है ये इसका जो है वो निकलता है 0.086। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो बनता है 25.86 को इस मेथड के जरिए भी वही अब आंसर हमें हासिल हुआ है जो पहले दो मेथडों के जरिए हमें हासिल हो गया था। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग जो आपकी बुक पर भी हैं, तो उनको खुद करने की कोशिश करना, खुद पे उसकी प्रैक्टिस करना, तो जिससे ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफी, फी अमान अल्लाह।